a power broker. Power broker. पावर ब्रोकर क्या होता है आप लोगों को मालूम है, अभी तो सब कुछ मालूम है, यानी कि नेता खड़ा करता है, नेता बनाता है, नेता को हटाता है, पार्टियों में मिलावट करता है, एक दूसरी पार्टी को दूसरी पार्टी से मिलाता है। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत पावर ब्रोकर्स हैं जो पावर गेम खेलते हैं। असली नेताओं के पीछे जो पावर होती है वो किन की होती है उसको अंग्रेज़ी में पावर ब्रोकर बोलते हैं। तो वो मेरा रोल है जो मंत्री बनाता भी है, हटाता भी है। और अच्छा एक जुमला भी है इस फिल्म के अंदर जहाँ ये पावर ब्रोकर बोलता है कि मंत्री बनाने वाला मैं हूँ और मुझे पावर ब्रोकर बोलते हैं, अगर हिंदी में बोलेंगे तो दलाल बोलते हैं। दलाल लड़कियों का धंधा करता है, मैं सरकारों का धंधा करता हूँ। कौन सी सरकार को रखना है, कौन सी सरकार को हटाना है, ये काम हमारे जैसे पावर ब्रोकरों का होता है। इश्क़ मंजन एक बड़ी अच्छी कॉमेडी इसमें फिल्म है, इसमें जॉनी लीवर साहब हैं, इसमें असरानी साहब हैं, इसमें शक्ति जी हैं, इसमें रजा मुराद साहब हैं, इसमें मैं हूँ, और एक बड़ा अच्छा इन्होंने ब्लेंड किया। और ये क्या है, वर्कर्स मिलकर सारी ये फिल्म बना रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि भैया ये वर्कर्स की जो मेहनत है ये रंग लाए, इनका जो जिस मकसद से ये फिल्म बना रहे हैं वो मकसद इनका कामयाब हो। ये एक लाइट कॉमेडी है, बहुत दिलचस्प लाइट हार्टेड कहानी है, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हम बहुत पुराने साथी एक साथ फिर स्क्रीन पर आ रहे हैं। मैं, किरण कुमार, शक्ति कपूर, असरानी साहब, जॉनी लीवर, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आजकल ऐसा समझा जाता है कि कॉमेडी करने का सिर्फ कुछ ही आर्टिस्ट हैं जिन्हें हक है, वही कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सब इसमें बहुत लाइट रोल्स कर रहे हैं और यकीनन हम दर्शकों को मायूस नहीं करेंगे, डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे।